सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन. सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. मार्च को सेलिब्रेट करने के साथ साथ आज वुमेन्स डे की स्पेसिफिकली हैप्पी मंडे, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. वुमेन्स डे की अगर बात की जाए तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि पिछले साल से पहले हमने इसको इतना कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाया था, इतनी उस चीज पर कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं की गई जितनी औरत मार्च के बाद 8 मार्च के हवाले से की गई. लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस बहस में नहीं पड़ना कि आज ख्वातीन के आलमी दिन के मौका पर हम ये बात क्यों ना करें कि ख्वातीन के शाना बशाना मर्दों के साथ साथ हमें माशरे में हकूक मिलने चाहिए, नशस्त मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए और मर्द हजरात और ख्वातीन एक साथ काम करें इस माशरे में, तो एक साथ एक रिप्यूट, एक मजबूत सहारा और जो भी आप समझे कि वुमेन को अगर हम देखें अपने माशरे में तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है, इस बहस में नहीं पढ़ूंगी. बिकॉज आप आज हर प्रोग्राम में, करंट अफेयर का हो, पॉलिटिकल प्रोग्राम हो या मॉर्निंग शो हो या न्यूज हो, हर जगह इसी बहस को देखेंगे. मैं जरा शुरू से शुरू कर लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर हम देखें कि बींग अ मुस्लिम हमारे इस्लाम में, इस्लाम आने के बाद खातीन को जो मकाम मिला उस पर कोई बहस बनती नहीं है. हलाल हराम सवाब गुना इन तमाम चीज़ों की तगोदों में सारी जिंदगी गुजारने के बाद जिस चीज़ की तलब हम करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम जिंदगी गुजारते हैं, वो है जन्नत. और जन्नत को कहा गया है कि माँ के कदमों तले है, तो माँ के कदमों तले ये जन्नत, ये भी नहीं कहा कि आपके हाथ में है, कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. वो माँ एक बेटी है, एक औरत है, वो एक बहू है, वो एक बीवी है, वो एक माँ है. वो तमाम चीजें जो हम ढूंढते हैं इस माशरे में कि एक मर्द हजरात वाली कम्युनिटी, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम एक मर्द से जो इज्जत चाहिए होती है, भाई वो तो सर्टिफिकेट के तौर पर पहले ही हमारी शरा यानी इस्लाम ने हमें दे दी है. तो इस बहस से आज के दिन यानी 8 मार्च को निकल आए कि हमें मर्दों के शाना बशाना काम करना है, हमें उनके जैसे हकूक चाहिए, हम उनके साथ काम कर सकते हैं, उनसे आगे काम कर सकते हैं. भाई ये जिंदगी है, आपको साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा. तो हम बिल्कुल ये बहस नहीं करेंगे कि ख्वातीन के हकूक क्या हैं और मर्दों ने कितने सर्व किए हैं, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं. बीइंग अ वुमन आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड. मैं जहां जाती हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सोहा अफजल हूँ, इसलिए कि मैं खातून हूँ, मेरी इज्जत की जाती है. हाँ, माशरे में कुछ अनासिर ऐसे पाए जाते हैं जिनको पॉलिश करने की, सही करने की, ठीक करने की, अपब्रिंगिंग करने की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बींग अ वुमन आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड. तो आज इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे कि ऑलरेडी खातीन को तो इतना सुपीरियर बनाया गया है कि हमें इस तगड़ों में, इस परेशानी में, इस कंपटीशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. बशर्ते कि आप अपनी पावर को समझ जाएं, बशर्ते कि आप इस चीज को रियलाइज करें कि बीइंग अ वुमन आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, किस तरह से आपको अपने आप को ड्राइव करना है. इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर कॉल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आपके लिए काम नहीं करेगा. तो आज इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ. मेरे साथ खानम आंसर शहजादी ने कहते हैं और ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को जिंदगी में इनसे मुंसलिक खातीन को मोटिवेट करने के लिए किस तरह से ये काम करती हैं इनसे जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू. और आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे. थैंक यू सो मच. बहुत मुबारक हो आपको कि अल्लाह पाक ने आपको खातून बनाकर इस दुनिया में भेजा, और उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर कि आप बाकी खातीन को किस तरह से मोटिवेट करती हैं. उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं नाहिद बेग साहिबाई ने कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं प्लस पेशे से वकील हैं. तो आपके हकूक, टेक्निकलिटीज, कौन से शक कहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कानून आपको क्या क्या हकूक देता है, वो हम नाहिद बेग साहिबा से जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू मैम? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू. उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं आदिल अहमद राणा, इन्हें कहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट है प्लस फोकल पर्सन पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम भी है. एक मर्द को आज के वुमेन्स डे के प्रोग्राम में इन्वाइट करने का मकसद खासतौर पर यह है कि एक मर्द एक खातून के बारे में इस माशरे में क्या सोचता है, उन खातीन के बारे में जो कि वर्किंग वुमेन है, माशरे में आपके साथ काम करती है, बाजू तक आपको लीड भी कर रही होती है. तो उनकी प्रेजेंस भी इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा जरूरी थी. सो वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू. थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. तो प्रोग्राम में हम वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. सबसे पहले, सबसे आम, सबसे खास, सबसे अहम सवाल यही कि हम खवातीन, हमें पता नहीं इंडल्ज कर दिया गया है या बचपन से या औरत मार्च के बाद या अब या 21st सेंचुरी में, इराफ टेक्नोलॉजी में, हमारे दिमागों में ये चीज़ इंडल्ज कर दी गई है कि यस वी नीड टू कम्पीट विद द मैन. हमें मर्दों के साथ मुआसना करना पड़ेगा, हमें कम्पीट करना पड़ेगा. क्यों हम इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, बींग अ वुमन जो है, हम उसे सेलिब्रेट करें, उसे चैरिज करें, उसे पॉलिश करें. कंपटीशन में क्यों डाल दिया हमें, क्या लगता है आपको? कंपटीशन में इसलिए डाल दिया क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है घर से, हाँ तुम नहीं कर सकती,
ये भाई को करने दो, ये तुम्हारे करने वाला काम नहीं, ये भाई के करने वाला काम है। इस तरह के कुछ हमारी माएं हमें चीजें हमारे दिमाग में पहले ही ऐड कर देती हैं बचपन से। यस, फिर वो आगे चल के हम वो एक रास्ता चुनना शुरू कर देते हैं कि हमें कोई आदमी जो है वो सपोर्ट करता रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। जबकि औरत बहुत मजबूत है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप जिस तरह से आपने कहा कि मुझे सोहा अफजल होने की वजह से लोग इज्जत नहीं देते, औरत होने की वजह से इज्जत देते हैं। हम लोग लोकल ट्रेवल अगर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी औरत के लिए अलग से प्रिविलेज मिलता है हर जगह, इस चीज़ हर जगह पे। और अगर हम लोग किसी ऑफिस में हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन हम लोग उस चीज का, अगर औरत उसका थोड़ा बहुत गलत इस्तेमाल भी करती है कि हर जगह पे अपने आप को मजलूम, अपने आप को कमजोर, अपने आप को ये फील करवाने के लिए कि मैं तो औरत हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकती, किसी जगह से बच जाऊँ, निकल जाऊँ। लेकिन उस औरत को अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है, जो इज्जत दी है, जो मुकाम दिया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो मुकाम दिया है, अगर वो उसको इस्तेमाल करे तो इन तमाम एरियाज में वो अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बना सकती है। ठीक, अब आपने सवाल किया कि औरत क्यों जो है वो मर्द के शाना बशाना चलना चाहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो दिल में जब आ जाता है ना कि मर्द को इतनी ज्यादा आजादियां, इतना फ्रीडम, इतना सब कुछ मिला हुआ है, मुझे नहीं मिला हुआ, वो अपने अंदर से महसूस करती है, तो उस वक्त फिर उसका जी चाहता है कि मैं भी इस तरह सा कुछ करूं। लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। यकीन माने जो औरत आजादी हासिल कर लेती है, जो अपनी अपनी जरूरतें खुद पूरी करना शुरू कर देती है, उसके सर पे कितना वजन होता है, कितना भार होता है, ये आप या मैं समझ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, एक खातून से मुझे ये सुनना काफ़ी अच्छा भी लगता है, या आप यूँ कहें कि इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कि जब कोई खातून ये कहे और उस चीज़ को एडमिट करे, ऑन करे कि बहुत सारी खवातीन इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं कि उन्हें फ्रीडम और ये अपॉर्चुनिटी उन्हें मार्केट में या फिर उन्हें उसकी फील्ड में मिली हुई है, तो ये टेक्निकलिटीज जो हैं बड़ी छोटी छोटी सी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बिल्कुल ऐसे इंडिपेंडेंट रहना है, खुद कमाना है, खुद खाना है, मेरा एक मकाम है। मैं अगर बीइंग अ वुमन ये बात कहूँ कि यस आई नीड अ सपोर्ट ऑफ मैन, लाइक मेरे फादर, अगर मैं अपने अब्बा की बात करूँ तो उनके सपोर्ट के बगैर तो मैं यहाँ बैठकर आप लोगों से सवाल नहीं कर बिल्कुल सकती, ऐसे नहीं कर सकती मैं। तो हमें इन मर्द हजरात की अपने माशरे में जरूरत होती है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, बट वाई कि हम इसको बैलेंस करके चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अपनी जिंदगी में इसको इंडल्स नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी में पोर्ट्रे नहीं कर सकते, वाई बैलेंस मतवाजन जिंदगी से। मैम आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, हमें अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन कह लें या मर्द हजरात की कहीं ना कहीं, चले सारी जिंदगी अगर आपने इंडिपेंड गुजारे तो थ्रू आउट लाइफ शायद आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन कुछ मकाम आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं कि ये सबको फील होता है कि डेफिशिएंसी है हमारे सिस्टम में या हमारी पर्सनालिटी में या हमारे घर में, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि हमें मर्दों की सपोर्ट नहीं चाहिए। आज वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे के जब होगा ना मर्दों का दिन, तो उस दिन मैं बताऊंगी कि मर्दों को क्या कुछ चाहिए। अच्छा, एक बात तो ये होगी, ये हम वुमेंस डे के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो ये स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन है उसने स्पेसिफिकली जो 8 मार्च को ये दिन चुना था कि ख्वातीन की जो है रिकग्निशन की जाए, ख्वातीन की जो कंट्रीब्यूशन है हमारे माशरे में, दुनिया में, उसकी जो है कंट्रीब्यूशन की एक्नॉलेजमेंट की जाए। बिल्कुल ऐसी, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग फाइट करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे माशरे में नहीं, दुनिया में खातून को सबसे पहले आप एक इंसान समझें। बिल्कुल, शी इज़ ए ह्यूमन फर्स्ट, उसके पास उसी तरह एहसासात और उसको उसी तरह दर्द होता है जिस तरह एक मर्द को होता है। बिल्कुल ऐसे। और जहाँ तक आपने बात की है इसकी कि जी हमें एक सपोर्ट चाहिए, हमें एक सहारा चाहिए, तो मर्द को भी एक सपोर्ट चाहिए और एक सहारा चाहिए। बिल्कुल चाहिए, ठीक है ना, इज नथिंग विदाउट अस। हाँ जी, मर्द औरत के बगैर, औरत मर्द के बगैर नामुकम्मल है। और आपने देखा होगा कि हम, मैं रिलीजन में तो नहीं जाना चाहती, क्योंकि हमारा आइन जो हमारा लॉ है और हमारा जो अपना एक सबसे बड़ी जो हमारी किताब है आइन की, कुरान के अलावा, मतलब कुरान शरीफ पे तो मैं बिल्कुल, मैं वो एक दो राय नहीं है, हाँ है हमारी ना, तो जो हमारा मुल्क का स्टेट लॉ है, स्टेट का जो आइन है स्पेशली, उसमें ख्वातीन और मर्द को बराबर के हकूक दिए गए कि हर शहरी जो पाकिस्तानी है, चाहे वो काला है, गोरा है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन कहीं का भी रहने वाला है,
उसके इक्वल हकूक है, उसमें कोई भी मर्द और औरत नहीं कहा गया। एग्जैक्टली, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए ये दिन मनाया जाता है कि एग्जिस्टेंस है खातून की, उसकी कंट्रीब्यूशन है हर मामले में। हम इस मुल्क को बनाने में फातिमा जिना की कितनी कंट्रीब्यूशन है, बेगम राणा लियाकत अली खान की कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो उसी तरह स्टूडेंट्स की, खवातीन स्टूडेंट जो थी हमारी, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए ये जो है दिन मनाया जाता है। और ये जो 2021 का है 8 मार्च का, इसकी थीम है चूज टू चैलेंज, इसकी ये थीम दी गई है। और वो ये नहीं है कि भाई हमने खड़े होके खवातीन ने चैलेंज करने शुरू कर देने हर चीज को, किसी वो चैलेंज है कि जो आपके पास चैलेंजेस हैं एज ए होल, अगर कोई टेररिज्म है, नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, या आपको वो खाना पीना, तो उसको चैलेंज करें, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब ये कह रही थी कि कह दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा जो है काम तुम नहीं कर सकती मग, आई टोटली डिसएग्री। माँ बाप तो कहते हैं कि ये काम जो है तुम नहीं करना है, भाई ने नहीं करना, उठो और ये करो, ये तुमने करना है। तो आप अक्सर देखेंगे कि बेटे को लेजर मिल रहा होता है और बेचारी बहन जो है वो ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है और वो डुअल काम करती है, डोमेस्टिक घर का भी और बाहर स्कूल का भी, उसने दोनों, और फिर आके माँ का हाथ भी बटा रही है, बाप का भी हाथ, भाई का भी बटा रही होती है हाथ। तो ये एक जो बैलेंस लाना होता है ना, वो हमने जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगेंस एट होम, तो आपने जो बैलेंस लाना है वो घर से लाना है, और फिर आपके तालीमी इदारे ने लाना है, जहाँ तालीम दी जाती है तालीम के साथ साथ तरबियत भी हो, बिल्कुल, ताकि बैलेंस हो, पता चले कि भाई एक खातून है, जैसे हमारी अरफा करीम थी, हमारी अभी एक 2-4 साइंटिस्ट और हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह हमारी सियासत में बहुत सारी खवातीन हैं जो जनरल इलेक्शन लड़ती हैं, जैसे सायरा अफजल तारर है, वो जनरल इलेक्शन लड़ के आती है, जरताज गुल है, वो जनरल इलेक्शन, वो रिजर्व सीट पे नहीं आई हैं ये खवातीन। बेनज़ीर भुट्टो सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है और देखें उन्होंने शहादत पाई है। तो हमारी बहुत सारी खवातीन हर फील्ड में, डॉक्टर्स की फील्ड में आप आ जाएं, वो मतलब ये हमारी पॉलिटिकल डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, डॉक्टर शीरी मजारी हैं, ह्यूमन राइट्स में काम कर रही हैं, तो ये सब पाकिस्तानी खवातीन। अच्छा, लेकिन नॉन पर्सनालिटीज की बिल्कुल सीधी की नहीं, डेफिनेटली दे आर रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस ना, हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को अकम्पलिश किया है, ग्रेजुअली चली हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज वुमेन जिनको लगता है या जिनको पता ही नहीं है कि वुमेन्स डे क्या है, जिनको पता ही नहीं कि खवातीन का उनको बताने के लिए, एग्जैक्टली ये उनकी अवेयरनेस के लिए आज का ये 3-4 लोगों का प्रोग्राम, ये दिन पाकिस्तान में औरत मार्च या पाकिस्तान में औरत डे की सेलिब्रेशन, नहीं नहीं, औरत मार्च को 8 मार्च के साथ बिल्कुल ना आप जोड़ें। नहीं, मैं अगर औरत, क्योंकि 8 मार्च इंटरनेशनली जो है वो सेलिब्रेट किया जाए, औरत, अगर मैं औरत मार्च की बात करूं, औरत डे की बात करूं, या मार्च की इटसेल्फ बात करूं, तो मार्च के आगाज में जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े रिसर्च की औरत डे के हवाले से खासतौर पे, तो मार्च के शुरू से ही हम तो एक तो मार्च वीक बनाना शुरू कर देते हैं, औरत वीक बनाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद औरत मंथ बनाते हैं। अब मार्च का पूरा महीना हमने इंडिकेट कर दिया इन चीजों के लिए, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स जिन पे हम बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें घर की खवातीन की, तो अपब्रिंगिंग के दौरान ग्रेजुअली हर स्टेप पर हमें ये बताना पड़ता है। हम तो चलिए उन घरों की बात करें जहां पर खवातीन और बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, एक स्कूल में भेजा जाता है, एक फील्ड में कहा जाता है कि आप काम करें, लेकिन उन एरियाज की बात कर ले, उन खवातीन की बात करें जिनको अपने हकूक का भी नहीं पता, जिनको यही नहीं पता कि वो मार्च वीक क्या है, मार्च का महीना क्या है, या फिर आज का दिन क्या है, या फिर औरत मार्च जिसको हमने बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया था वो क्या था, हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन खवातीन जिनको नहीं पता कि वाकई हमारे हकूक क्या है, जो सारी जिंदगी इसी में गुजार देती हैं कि हमने घर में रहना है, रोटी चूल्हा ये हमारी जिंदगी है और यही बच्चों को हमने पालना है, बड़ा करना है, ये भी खवातीन है, ये भी वर्किंग वुमेन है, दे आर वर्किंग एट देयर होम, वो अपने घरों में काम कर रही होती है, हम बाहर काम कर रहे होते हैं, सो दे आर डूइंग इट द सेम काइंड ऑफ थिंग, लेकिन वो चीजें जो हमें प्रिविलेज मिलती है वो उनको नहीं मिल रही होती, वो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने उसको सेलिब्रेट कैसे करना है। तो इस कंपटीशन से, बार बार यही कह रही हूं कि इस कंपटीशन से निकल आए बाहर, इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, खातून होने को सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल हमने इस बारे में लड़ाई नहीं करनी कि आज जो है वो किस तरह से हमने मर्दों से लड़ना है, कंपटीशन कैसे करना है, हम अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स हमने इन पर बात ही नहीं करनी, हमने बात ये करनी कि अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मौजूद है। हमारे साथ आदिल है, आदिल को पता है कि किस तरह से टैलेंट हंट को हंट करना,
और वहाँ पर हम ये लेम एक्सक्यूज है, आप तो बहुत ज्यादा खवातीन के लिए मर्द हज़रात के लिए दोनों के लिए लेम हो गया कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप ट्रेंड सेटर बन सकते हैं, हर चीज एक क्लिक पर आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे प्रोग्राम आदिल जिस पर आप काम कर रहे हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम, किस तरह से आपने इसको हंट करना है, किस तरह से इसका प्रोसीजर क्या है, कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? टैलेंट हंट प्रोग्राम हुकूमत पंजाब का साल 2021 का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सही। टैलेंट को हंट करने के लिए सही पांच कैटेगरीज में कॉम्पिटिशन होंगे, इसमें पोएट्री है, सिंगिंग है, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है और अपना पेंटिंग है। ठीक है, ये पांच डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके अंदर हम टैलेंट हंट कर रहे हैं। 15 से 35 साल की उम्र के लोगों का मुकाबला है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो है, मतलब मैं एक्चुअली आपसे प्रोसीजर इसलिए मैं क्लियरली पूछना चाह रही हूँ कि प्रोसीजर जो है इसको हम ग्रेजुअली आपसे डिस्कस करेंगे, तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर लिया आपके माइक के, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं यहीं से कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये मार्केट में मौजूद है, ये अपॉर्चुनिटीज आपको पता है, हकूक भी मौजूद हैं, आपको आपके राइट्स हर चीज दे दी गई है, बस शर्त ये कि आपको उस बारे में पता हो, ये सबसे अहम बात है। बिल्कुल, हम प्रोग्राम कर लेंगे, नाहिद साहब उस पर बोल लेंगी, बिंगा लॉयर वो बता देंगे क्या क्या शिकाका पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खवातीन को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें जरूरत पड़ने पर या उस एक्सट्रीम सिचुएशन पर जाकर पता लगता है कि अब हमारे पास ये मसला हो गया, अब हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें किससे रजू करना है, वो अच्छी बात है, लेकिन बेसिक्स राइट्स हमें हमारे पता है कि आपको लगता है कितने परसेंट खवातीन पाकिस्तान में है जिन्हें पता है कि इस मौके पर क्या करना है? मेरा एक प्रोजेक्ट है मजबूत बेटी बाबा की, जो कि मैंने प्राइमरी लेवल से शुरू की है, स्कूल्स में जाके बच्चों के साथ इन चीज़ों को शेयर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि अभी 21st सेंचुरी में कौन कौन सी स्किल्स लड़कियों के पास होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी ऑफिस में जाके जॉब कर सकती हैं, घर में बैठे हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक औरत के अंदर बहुत सी क्वालिटीज होती हैं और वो एक टाइम पे बहुत से काम भी कर सकती है, और ये सिर्फ खवातीन के पास होती है, एक वक्त में चार पांच चीजों को मैनेज करना, ये अल्लाह पाक ने बिल्ड इन सलाहियत सिर्फ खवातीन को, वो मल्टी टैलेंटेड होती है। जी, मल्टी टैलेंटेड। तो उसको हमने किया है इस तरह से डिजाइन किया है कि एक लड़की जो है उसको हमारी माए बड़े शौक से कहती है, मेरी बेटी को चाय बनाना भी नहीं आता, कहती ना बड़े शौक से। मैंने कभी इसको किचन में नहीं भेजा, इसको तो चाय बनाना भी नहीं आता। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि जितनी बड़ी डिग्री होगी उतना ही अच्छा खाना खाने को जी चाहता है, अच्छी जॉब मिलती है ना फिर अच्छा कमाते हैं तो अच्छा खाने को भी दिल चाहता है, तो क्या रोज रोज बाहर से मंगवाएंगे? तो लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, फिर उसके बाद अच्छा पहनने को दिल करता है, अच्छे कपड़े अच्छा डिजाइन पहनने को दिल चाहता है, तो खुद से डिजाइनर भी आपके अंदर एक होनी चाहिए और खुद डिजाइन करने चाहिए, फिर घर के तमाम काम लड़की इतने सलीके से करे तो वो भी बेस्ट है। यस, ये चीजें हो गई, उसके बाद आपने अपने आप को माशी तौर पर किस तरह से स्ट्रांग बनाना, इस पर हम काम करते हैं। और मेरी मैंने अभी 18 डेज पहले अपनी माँ को खोया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, बहुत बड़ी मोटिवेशन कि उन्होंने हमें हर चीज घर में सिखाई, और ये उन्होंने ये बताया कि एक मजबूत लड़की जो है वो किसी पर भी वो नहीं करती कि फलाम मेरे लिए कुछ करे, अगर उसने उसको मोहब्बत चाहिए तो सबसे पहले खुद से मोहब्बत करे, दूसरों से मोहब्बत करे, अगर उसको घर में किसी भी जगह पे उसको, यानी हमारे घर में छोटी सी बाल्टी भी होती है ना, तो हम खुद सारी बहनें मिलके सारा कुछ डिकोर करना शुरू कर देती, यानी हर चीज को खुद से मैनेज करना आना चाहिए, और लड़की के अंदर हर क्वालिटी होती है, सिर्फ उसको हल्का सा पॉलिश करने की जरूरत होती है। मुझे बहुत बुरा लगता है जो लड़की कहती है मुझे मेहंदी लगाना नहीं आती है, लड़कियों का काम है ना, लड़कियां कहती मुझे मेहंदी लगाना, मुझे मेकअप करना नहीं आता है, मुझे ड्रेसअप होना नहीं आता है, फिर शायद मुझे ढोलक बजाना नहीं आता है, मुझे डांस करना नहीं आता है, मुझे सिंगिंग नहीं आती है, लेकिन लड़की के अंदर हर चीज होती है। हाँ, लेकिन हमें इसे रियलाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, लड़कियों को ये बताना बहुत जरूरी है, और उनको ये बताना कि आपका हक क्या है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें जो आपने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है ना, ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि खवातीन में, यू नो, सिंफ नाजुक में ऑलरेडी ये चीज एग्जिस्ट करती है।
बस आपको आइडेंटिफाई करने की, फिर थोड़ा सा उसको पॉलिश करने की, और उसके बाद सबसे अहम चीज़ उसे कैश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह से आप उस चीज़ को या उस टैलेंट को यूटिलाइज करते हैं. आप उसको अपने ज़रिए मुआश भी बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अच्छा बोलते हैं, आपको घर से, वालदैन से, आपके पेरेंट्स से, आपके ख़ानदान से एक बोलने की सलाहियत मिली है, तो इन्फॉर्मेशन के साथ, मवाद के साथ, सर्च के साथ और मज़ीद सीख कर आप उसको अपना ज़रिया मुआश बना सकते हैं. तो ये चीज़ें आप पर आती हैं कि किस तरह से आप इसको ड्राइव करते हैं. बेसिकली आप ख़ुद को कैसे ड्राइव करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो वो ख़वातीन जो मार्केट में काम कर रही हैं, किस किस तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, इन सब पर बात करेंगे. एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं. की पॉज रिंग, गुड मॉर्निंग लाहौर. नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. होप सो कि आपने अपने दिन का आगाज बहुत अच्छे से किया होगा. अगर नहीं किया तो कम से कम वुमेंस डे का आगाज आज अच्छे से करें. सुबह उठें, अपने आप को शीशे में देखें. ये वो प्रैक्टिस है जो कि मैं रोजाना की बुनियाद पर कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि इसे करें, रोजाना करें. क्योंकि इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप दिन में एक दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, दो दफ़ा पढ़ते हैं, तीन दफ़ा पढ़ते हैं, तो पाँच दफ़ा एक ही तरीके से, एक ही रुकू सजूद के साथ आप नमाज पढ़ते हैं. तो ये प्रैक्टिस पाँच दफ़ा अल्लाह के आगे अपनी दुआ रखने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए, उसे मनाने के लिए करते हैं. तो फिर आपको क्यों लगता है कि एक ही दिन में आप अपने आप को पॉलिश कर लेंगे, एक ही दिन में अपने आप को चैरिश कर लेंगे, एक दिन में आप ठीक हो जाएंगे? ये प्रैक्टिस रोजाना आपको करनी पड़ेगी. जब आप यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपको लगे कि ये स्किल जो आपके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है. रोजाना आपको खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो मर्द हजरात हो, खवातीन हो, हर किसी की बात कर रही हूँ मैं. अपने आप को आप सेलिब्रेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो ही लोग आपको अप्रिशिएट कर सकेंगे. हम बात कर रहे थे एक्चुअली आदल से कि किस तरह का टैलेंट है इनका, प्रोग्राम जो है उन्होंने इसको शुरू किया, ड्राइव किस तरह से कर रहे हैं. आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आदल, ये शेयर कीजिएगा प्लीज. ये पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि साल 2021 का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, हुकूमत पंजाब की तरफ से लॉन्च किया गया ये. और इसमें वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक फन और सकाफत को फ़रोग देने के लिए हम काम कर रहे हैं. इसमें इनिशियल लेवल पे पांच कैटेगरीज पे काम हो रहा है, लाइक पोइट्री है, पेंटिंग है, अपना सिंगिंग है, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है. जी हाँ, इसमें 15 से 35 साल के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इसके जो कैश प्राइजेज हैं वो 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपया तो जो कैश प्राइजेज हैं वो हम लोग दे रहे हैं. तो इसकी सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर जो है वो कैसे है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज से कैटर करेंगे या लोग खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं? व्हाट दे विल डू? जी, इसमें हमने जो कोलेबोरेट किया है वो, मैं लाहौर का फोकल पर्सन भी हूँ, लाहौर डिस्ट्रिक्ट को मैं देख रहा हूँ खसूसन तौर पर. तो इसमें हमने जो कोलेबोरेट किया है वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने हमारे कॉलेजेस हैं, और डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ हमारा खसूसी तावन चल रहा है. और इसमें जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उन्होंने तमाम कॉलेजेस को डिसिमिनेट भी किए हैं इन्फॉर्मेशन और सारा. तो वहाँ से भी मेंबरशिप ड्राइव हमारी चल रही है, आपके मीडिया के तवसत से भी 3-4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में, और हमारी सोशल मीडिया कैंपेन्स, जो हमारी PR कैंपेन है, पब्लिसिटी कैंपेन है, जेल रोड, माल रोड पर स्टीमर वगैरह अवेजा किए गए हैं, वो लोगों का खासा जोश व खरोश नज़र आ रहा है हमें तो. अच्छा, मैं फीडबैक की आपसे बात कर रही थी कि खवातीन जो है ना, मतलब एक तो पहले हम एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है. अब जिन जिन चीज़ों की आपने बात की वो फनून लतीफ़ा, उनमें मौसीकी भी है, आर्ट भी है, डिज़ाइनिंग भी है, हैंडीक्राफ्ट्स भी है, राइट, इस तरह की वो सारी चीज़ें हैं. अब ये चीज़ें करने के लिए आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको मार्केट जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा. ये वो चीज़ें जो घर कर सकते हैं आप, लेकिन उसे मार्केट करने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है कि आपने चीज़ बना ली है, वो घर में मौजूद है, उसे नुमाइश के लिए पेश करने के लिए ऐसे टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जैसी जो गवर्नमेंट है या कंसर्न डिपार्टमेंट जो है थोड़ी लेकिन करते जरूर. बल्कि मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि अपना जो नौजवान है ना हमारे, वो नाकामी के खौफ से निकलें, वो लोग सामने आए अपने टैलेंट को वे प्रमोट करने के लिए, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए. और जो नाकामी का खौफ है उसको निकाल कर कामयाबी का जो रोमांस होता है ना उसको फील करें. और आप ये देखेंगे कि जो खौफ है ना उसके आगे जो होता है ना वो जीत होती है. तो आप कामयाब हो या नाकाम हो, इससे हटकर अपने आप को आपने मनवाना है. आपको हुकूमत पंजाब एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है, आप इस पर आएँ. और चूँकि ये पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट इसको इनिशिएट कर रही है, और बाकी जिना ओपन एयर थिएटर में इसकी तमाम रजिस्ट्रेशन हो रही है. आप बात कर रहे हैं, स्टीमर्स देखे थे, लेकिन बात फिर वही है कि ये चीज़ें मार्केट में मौजूद है, बशर्ते कि आपको, मुझे या हमारे इर्द गिर्द जो खवातीन ये एक्सक्यूज़ देती हैं कि हमारे पास
तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, दे हैव वेरी गुड पेंटिंग्स, दे हैव वेरी गुड आर्ट, दे हैव वेरी गुड वो ऑल दोस थिंग्स जो कि हम टीवी पर देखते हैं या हम किताबों में देखते हैं, उनके हाथ में वो आर्ट होते हैं. अगर वहाँ पर उसको एग्जीबिशन में रखा जाए और कोई प्राइसेस लिए जाए, लेकिन ये सब कुछ सब होगा जब आपको पता होगा कि आपने कहाँ पर किस तरह से अपने टैलेंट को कैश करना है. इस हवाले से बताएगा कि खवातीन जो हैं, हम हमारे पास बड़ा वैलिड एक्सक्यूज होता है हर चीज़ का. मतलब आपको पता है हम तो बड़े एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में ना, वो वैलिड हो या नॉन वैलिड हो हम एक्सक्यूज अच्छे दे देते हैं. अच्छा, एक्सक्यूज खवातीन के पास ये भी होता है कि हम बाहर जाएंगे काम करेंगे तो हमें बड़ा टफ कंपटीशन मिलेगा, हमें उस तरह से स्पेस नहीं मिलती जिस तरह से स्पेस होती है. उन्होंने कामयाबी की बात की या फिर उन्होंने डर से आगे निकलने की बात की है. रिस्क लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है उन ख़वातीन के लिए जो कि काम करना चाहती हैं मार्केट में, अपनी पर्सनैलिटी अपनी रिप्यूट बनाना चाहती हैं, रिस्क लेना कितना ज़रूरी है? रिस्क तो देखिए हर काम में लेना पड़ेगा. अब हम रियलिटी में आ जाएं तो सबसे पहले तो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना, सिक्योरिटी चाहिए. जब आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो उसके बाद आप कहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट, हमारी जो है डिग्निटी, हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी एक्नॉलेजमेंट हो. सही, ठीक है. सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी चाहिए. फिर जैसे आपको फॉरम्स का नहीं पता होता, जैसे मुझे नहीं पता था ये टैलेंट हंट है तो ये कहाँ हो रहा है, फिर ये लाहौर में हो रहा है, ये लोग लाहौर से बाहर भी तो करें ना. आप टैलेंट हंट पंजाब के आप फोकल पर्सन या कोई, तो आप पूरे पंजाब में जाएं और फिर आपका जैसे ये आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह देखें, सब देख रहे होंगे तो उनको आपके तवस्सुत से पता चल रहा है. मीडिया का बड़ा किरदार होता है इसमें. और ये वुमेंस डे, थैंक यू टू लाहौर रंग के उसने ये वुमेंस डे मना रहे हैं और 8 मार्च का बता रहे हैं कि ख़वातीन की एग्जिस्टेंस है, ख़वातीन का नाम जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, उनकी कंट्रीब्यूशन. तो ये जो आपने बात की ना रिस्क, रिस्क तो देखिए उनको लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क लेने से पहले आपको एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, और ये सबसे पहले आपको अपने घर से चाहिए. आपको आपकी बैकिंग होनी चाहिए. आप मतलब आप स्कूल भी जाते हैं तो पहले आपको आपके फादर लेके जाते हैं, आप एक तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी और बिल्कुल सेफली आप पहुंचते हैं. फिर आपके साथ आपके मेल कोई भाई है, मामू चाचू जो भी वो, लेकिन फिर आप और बड़े हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंटली भी बच्चियां जाना शुरू कर देती हैं. लेकिन रिस्क जो है वो पहले, उससे पहले आपकी सिक्योरिटी काउंट करती है. इसी तरह अभी जैसे ये बात कर रही थी कि आपको अपनी जो है सेल्फ ग्रूमिंग और अपने सारे काम आपको आने चाहिए, ये तो देखिए जैसे सवाए उम्महातुल मोमिनीन के कोई भी खातून उस तरह मुकम्मल नहीं हो सकती. हर खातून में कोई ना कोई खामी होगी और कोई ना कोई खूबी होगी. ये हमारा काम है कि हम उसकी खूबियों को अप्रिशिएट करें, उसको नुमाया करें और उसमें उसको जो है बकअप करें. अच्छा, बकअप करने की आप बात कर रही हैं, मैं ये समझती हूँ कि जब आगाज़ में खाना आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ऑन करने की कोशिश की कि यस हमारे पास हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो अपनी आज़ादी का या जो उनके पास पावर होती है या जो भी उनको मुआशरे में मिला होता है उसका या तो आप गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ इस तरह से उसको पोर्ट्रे करते हैं या अपनी ज़ात के लिए कुछ इस तरह से आप इनिशिएटिव्स कुछ ऐसे इकदाम ले लेते हैं कि उसके बाद आपके साथ साथ आपके इर्द गिर्द तमाम ख़वातीन को उसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, उसी तरह से परसीव किया जाता है. तो अपनी गलती मान लेना बहुत ज़रूरी है, फिर उस गलती पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अच्छाइयों की बात करिए तो अच्छाइयाँ तो हमें तो खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन एट द सेम पेस खुद को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करना चाहिए. क्रिटिक को आप फीडबैक के तौर पर लें, आप मत लें कि आपको कोई तनकीद का निशाना बना रहा है. तनकीद बराए इस्लाह भी एक अलग चीज़ है. मैं समझती हूँ कि आप तनकीद को एज अ फीडबैक ले लें. आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं मैटर करता है, लेकिन लोग आपको कैसे देख रहे हैं ये भी मैटर करता है. वो लोग क्या परसीव कर रहे हैं ज्यादा मैटर करता है. हम कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता कि लोग हमें क्या कहते हैं, तो सम एक्सटेंट हमें फर्क पड़ता है. नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, हमें तो फर्क इस चीज से पड़ता है. एक दिन के आगाज में आप सुन लें कि आपके बारे में किसी ने ये कहा था, सारा दिन आप यही सोचेंगे उसने मेरे बारे में ये कहा था, उसने मेरे बारे में ये मुझे तो कहा, लेकिन मेरे से मुंसलिक 4 लोगों को मेरी गैर मौजूदगी में भी कहा होगा. तो फर्क भाई हमें पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं. तो जो लोग आपसे कहते हैं आपके बारे में या किसी के बारे में आपसे बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने उसको क्रिटिक के सूरत में लेना, आपने उसको एज अ फीडबैक लेना है. उस पर काम करें कि शायद ये लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ है और मुझे नहीं पता, तो उस पर काम कर लें. व्हाट्स द बिग डील, ऑन कर लें, मान लें, डिनाई ना करें. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें खुद भी करनी पड़ेगी. ज़रा हम आईने पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो ये प्रोग्राम में सेगमेंट हम हमेशा ऐड करते हैं. तो आज के दिन की मुनासबत से आईने पाकिस्तान में ख़वातीन को क्या क्या हकूक दिए गए हैं इस पर थोड़ी सी बात कर लें. तो हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं
अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की या वो तमाम डिपार्टमेंट जहाँ पर हम ये समझते हैं कि मर्द हजरात ही ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो हमारी कौमी मुमलिकत में ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन है उसको लोकल बॉडीज़ में भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, उतनी ही ज़्यादा आपके पास सीट्स मौजूद हैं। और ख़वातीन को आईने पाकिस्तान में ख़ास तौर पर यह प्रिवलेज दी गई है कि तमाम लोकल बॉडीज़, ये तमाम जैसे आप टाउन हॉल कह लें, बाबडा कह लें, लेस्को कह लें, आप किस एग्रीकल्चर कह लें, ये वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ख़वातीन की नुमाइंदगी बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये चीज़ आयन में मौजूद है कि आप अगर जाएं वहां पर अपनी पार्टिसिपेशन की आयन के मुताबिक बात करें तो अपॉर्चुनिटी और सीट आपको मिल सकती है, बशर्त यह कि आपको पता हो कि ये आयन की कौन सी शिक है जो ये आपको हक देती है। इसके अलावा आजकल सेनेट इंतखाबात का शोर जो है वो काफी ज्यादा है, तो सेनेट इंतखाबात के हवाले से खवातीन की जो पार्टिसिपेशन है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि 4 खवातीन हर सुबह असेंबली के अराकीन मुंतखब करेंगी। सेनेट इंतखाबात में ये शर्त लाजिम व मलजूम है हमारे, अगर आईने पाकिस्तान की बात की जाए या जो भी हमारे पास लॉ मौजूद है, तो 4 खवातीन की हमारी प्रोविंशियल असेंबली से पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सिलेक्शन ऑफ सेनेट की। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सेनेट इंतखाबात हुए हैं, शोर शराबा हमने काफ़ी सुना, लेकिन ख़वातीन की इस पार्टिसिपेशन का शायद मुझे लगता है कि आप लोग को नहीं पता होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने का मकसद यही था। नाहिद, इस पर क्या कहेंगे, सॉरी आप खानम, के चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, हमें को रोकर साइज तो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर नहीं रहे। हमें पता है कि हमारा मुआशरा जो है कहाँ कहाँ पर लैक कर रहा है, कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं। हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पर्सनालिटीज़ की बात कर ली जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, पर हमारे उन एरियाज में जहाँ पर ख़वातीन को ये भी नहीं पता कि आज औरत डे है या औरत मार्च डे है या आज ख़वातीन का आलमी दिन है, उनके हकूक़ के बारे में उनके लोगों, अब उन्होंने परवरिश करनी है एक नस्ल की, बिल्कुल वो तमाम ख़वातीन जो आगे आने वाली जनरेशन है जो आगे आके पार्टिसिपेट करेंगी उनकी परवरिश कर रही हैं, बट दे डोंट नो अबाउट ऑल दोज राइट्स जो कि उनको पता होना चाहिए उनकी अवेयरनेस के लिए। व्हाट वी आर डूइंग उनके लिए, मैंने जिस तरह से अभी शेयर किया आपके साथ कि मेरा प्रोजेक्ट है मजबूत बेटी बाबा की, ये हमारी टीम कर रही है, तो इसमें हम छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, उन ख़वातीन के साथ हम लोग ये काम करें, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर काम करें, लाहौर में करें, गुजरावाला में करें, इस्लामाबाद में करें, तो वहाँ पर बहुत सी ख़वातीन उनको बहुत अवेयरनेस है, लेकिन उन गाँव में, गुजरावाला के साथ साथ छोटे छोटे गाँव हैं, यहाँ पर अभी भी ख़वातीन ये समझती हैं कि जी पेरेंट्स, टीचर पेरेंट्स मीटिंग है तो उसमें उसके अब्बा जाएंगे, मुझे इजाज़त नहीं है। बच्चे की प्रॉब्लम है, टीचर ने शेयर करना है आपके साथ और आपने ही उसको घर में डील करना है, तो उसमें उसकी पीटीएम पर भी अब्बा जाएंगे। उन ख़वातीन को हम लोग बुलवाते हैं, बड़ी मुश्किल से बुलवाते हैं, और इतना ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हम उनको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बच्चा ज़िद्दी है, बच्चे की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज के दौर में, जैसे लाइक मोबाइल फ़ोन है, मदर्स कहती हैं मोबाइल नहीं बच्चे को पकड़ाना, लड़की के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, हम उनको पॉजिटिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया सिखाते हैं। अच्छा, एट द सेम प्लेस अगर हम लीड क्लास की बात करें, थोड़ी सी अगर मीडियोकर फैमिलीज़ की बात करें, तो वहाँ तो फ़ोन देना एक ट्रेंड होता है, और एट द सेम प्लेस अगर हम लोकल एरियाज़ की बात करें, उन देहातों की बात करें, तो वहाँ पर समझते हैं कि बच्ची या बच्चा ख़राब हो जाएगा अगर आप उसे सेल फोन देंगे तो ये चीज़ें, मुझे लगता है हमारा कैनवस थोड़ा ब्रॉड है। नाहिद बेग साहिबा, आपको क्या लगता है कि हम बड़े कैनवस पे काम करते हैं, आप जैसी खातून जो है, अगर हम बीइंग अ लॉयर बात करें, तो आपको सारी शिकों का पता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप एड्रेस करती होंगी, लोगों को बताती होंगी, और ख़वातीन को पहले कुछ ना कुछ नाव हाव होती है, थोड़ी आप दे देती हैं, थोड़ा मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन हमें अपना कैनवस छोटा करना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी ये कि छोटी जगहों से ऊपर आना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ कोई नहीं जाता। बहुत खूबसूरत बात की आपने, लेकिन मैं कोई इतनी नॉलेजेबल वो नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ अभी भी, कानून का छोटा सा तालिब इल्म, लेकिन ये जो बात अभी मिस खानम ने की है, जिस तरह आप बता रही थी, और इसी तरह ये जो हमारे इंफॉर्मेशन के जो इस वक्त बैठे हैं, मुझे सॉरी नाम नहीं आ रहा, आदिल राणा, आदिल भाई ने जो इस वक्त अपना बताया अपनी इंफॉर्मेशन और टैलेंट हंट का, इसमें जो हमारे रूरल एरियाज़ में ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं सारी, उन तक ये चीज़ें कैसे जाएंगी? ये देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम जितना मर्जी पार्टिसिपेट कर लें, लेकिन जब तक रियासत और ये हमारी गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो उतना हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। अब ये जैसे ख़वातीन को नहीं पता है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, अगर वो तालीम में आ जाए 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में, तो बच्चों को वो पता चलना चल जाएगा कि उनके क्या जो है हकूक हैं और उनके फोरम्स किधर हैं, उन्होंने कोई मसला हो तो
कहाँ दरवाजा खटखटाना है। अब ये जैसे भट्टा भट्टे के ऊपर जो बच्चे या खवातीन होते हैं कहीं और होते हैं तो वो क्या करते हैं, फटाफट किसी चैनल पे पहुंच जाते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस खवातीन के साथ जो होती है, सेक्सुअल हरासमेंट जो उनके साथ ऑफिस में होती है, या उनको मेरिट पे उनको पीछे कर दिया जाता है, या उनके ऊपर किसी किस्म की मतलब वर्बल हरासमेंट हो जाती है, गुजरते हुए फिक्रा कस के चले गए, या उसकी अपेयरेंस के ऊपर कि ये काली है कुछ है, इसका फोरम कहाँ है? तो वो है हमारा जो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया हुआ है वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, सेक्सुअल हरासमेंट का फेडरल ओम्बड्स पर्सन है, पंजाब ओम्बड्स पर्सन है, उनके नंबर्स हैं स्पेशली। ये चीज़ें जो है ना, ये जैसे आपका आज का प्रोग्राम है, ये इसी के थ्रू इन तक पहुंचता है। गवर्नमेंट ने उस तरह से वहाँ पे आगे ही नहीं दी है। फिर हर चीज़ जो है ना, ये बिगर सिटीज़ में, कॉस्मोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वहाँ महदूद कर दिए। भाई आपके पास बाकी एरियाज भी तो है ना, आप क्यों नहीं जाते हैं पत्तों की, आप क्यों नहीं जाते हैं ओकाड़ा, आप क्यों नहीं जाते हैं कि इन चीज़ों की जरूरत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत। फिर ख़वातीन की हाइजीन के मसले हैं, ख़वातीन की चाइल्ड बर्थ है, फिर आप उनको ये जो हमारी मिडवाइफ्स हैं या पोलियो की जो जाती हैं ख़वातीन, इनकी सिक्योरिटी, इनको एक्सेस, ये चीज़ें ये क्यों नहीं प्रोवाइड की गई हैं। खातून बाज़ दफ़ा ये भी होता है पढ़ लिख जाती है, डॉक्टर बन जाती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दही इलाकों में नहीं जा सकती कि सिक्योरिटी नहीं है। तो सब हमें बहुत सारी चीज़ें एज ए खातून और खातून के लिए, पाकिस्तान की खातून के लिए जो इतनी कंट्रीब्यूशन आपके लिए करती है हर हाल में, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, बच्चों को पालती है, बहन भाइयों को देखती है, टीचर है तो जाके पढ़ाती है, फिर आके घर का, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट तो करनी चाहिए ना। अच्छा, आप एक्नॉलेजमेंट की बात कर रही हैं, मैं कह रही हूँ कि उनको एक्नॉलेज करने के लिए अगर ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे प्रोजेक्ट अगर लॉन्च किए जाते हैं तो लॉन्च करना आपका फर्ज है, कंसर्न डिपार्टमेंट ये काम कर देते हैं, लेकिन उसे कन्वे करना इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वो नहीं पे ये ज्यादा अहम बात है। अगर तो आप बता रही हैं, यहाँ पर आपका प्रोग्राम बता रहा है ये टैलेंट हंट का। देखिए, आप टैलेंट हंट की बात कर रही है या फिर आप अपने प्रोग्राम्स की बात करें, खवातीन प्रोटेक्शन यूनिट्स की बात करें, तो फातिमा चदर कांडी वो करती है बहुत सारे ना इस तरह की पार्टिसिपेशन, मेरे प्रोग्राम में भी काफी दफा आई हुई है, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च कर देना इट्स नॉट योर टास्क एट ऑल। कन्वे करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों का आप तक आना, ये रसाई, ये जो ब्रिज बनाते हैं, कोई गवर्नमेंट चीज बना देना अच्छा इसके बारे बहुत में बड़ी नहीं है, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना। आदिल, खवातीन में देखिए, मैं चाहती हूं इसको आप थोड़ा सा एड्रेस करें कि इस तरह के हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, बट द थिंग इज हाउ टू कन्वे ऑल दोस पीपल जिनको जरूरत है इन चीजों की। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो जाहिर सी बात है कि डिसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कि आजकल हम इन्फॉर्मेशन के इरा में ही रह रहे हैं। लेकिन अगर टैलेंट हंट के हवाले से बात करें तो इसके लिए तो हमने जितने भी मीडियम यूज़ किए जा सकते थे तमाम मीडियम्स को यूज़ किया है, और हमारे पर रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा आ रहा है। इवन के जो खातीन की तादाद है, जो गर्ल्स की तादाद है, जो कॉम्पटिशन के हवाले से, वो तकरीबन 65-35 की रेशो है। 65% जो पार्टिसिपेशन है वो गर्ल्स की है इन कॉम्पटिशन में, क्योंकि फाइन आर्ट्स जो फ़नून लतीफ़ हैं इसमें ज़्यादातर जो रुझान होता है वो गर्ल्स का ज़्यादा होता है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जितने मीडियम यूज किए जाने चाहिए थे वो तमाम मेरा ख्याल है कि हमने यूज किए हैं। और देखें, चूंकि आज 8 मार्च है, तो मतलब ये मेरी अपनी ख्वाहिश है कि 8 मार्च को गवर्नमेंट ने जहां इतने टैलेंट हंट और ये किया हुआ था, इसमें जो हमारी दही इलाके की खवातीन हैं और बाकी हैं, तो वुमेंस डे के इसके ऊपर ये उनको फैसिलिटेट करते। अच्छा, इसके हवाले से ऐसा भी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे कि वो खवातीन जिन्होंने अपने इलाके में कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन की हुई है, उन वो अपने लंबरदार के थ्रू, अब तहसीलदार के थ्रू, लोकल मैं बता दूं हमारे डिपार्टमेंट ने क्या काम किया। जितनी तमाम डिविजनल कौंसिल हैं, डिविजनल आर्ट्स कौंसिल हैं, उन तमाम के कल भी शोज हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। ये मिसरगोदा आर्ट्स कौंसिल, फैसलाबाद आर्ट्स कौंसिल, रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल, मुल्तान में तमाम जो हमारी डिविजनल कौंसिल हैं वहाँ पे शोज भी हुए हैं इस पर, और इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी, यानी कि हमारे जो अदनान खालिक भट्टी साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अपना सरगोदा आर्ट्स कौंसिल के, उन्होंने कल एक अपना वेबिनार भी किया है इस पर, और इस पर जो अपना यूनाइटेड नेशंस की जो वेमेन, उनका एक चैप्टर है, उसका मुझे नाम नहीं पता,
तो उनके साथ कोलैबोरेट करके कल एक उन्होंने वहाँ पे इवेंट किया और आदिल की बात की जाए, आपकी बात की जाए या खानम आपकी बात की जाए, हम अपने एंड से अपने हिस्से का या अपनी जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वी आर डन विद ऑल दोस थिंग्स, वी आर डन. आप कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात करें तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च करने हैं दे आर डन विद ऑल दोस प्रोजेक्ट, कि आप लोगों के लिए मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं. हाँ, कन्वे करने का जो मीडियम है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आप हर वक्त चेक करते रहें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हुकूमत की जानिब से, कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से लॉन्च की जा रही है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. भाई कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें भी इस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए कि हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन इस इंटरेस्ट के बावजूद भी हम उस पर काम नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, उसे डिग आउट करने की कोशिश नहीं करते. तो थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है कि औरत मार्च को, औरत को या फिर मार्च के महीने को या आज के दिन को हम किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से हम उसे ऑन कर रहे हैं, किस तरह से हम डिस ऑन कर रहे हैं. तो अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है. थैंक यू सो मच टू ऑफ यू, बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही. हमने बहुत सारे एक्सपेक्ट को जो है कवर करने की कोशिश की, लेकिन एक घंटे का प्रोग्राम तो औरत मार्च को कवर करने के लिए या औरतों के आलमी दिन को कवर करने के लिए बहुत कम है. तो आज के दिन का आगाज वो मर्द हजरात कर रहे हैं, खवातीन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं. कोशिश करें कि आज के दिन को सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करें, इसे कॉन्ट्रोवर्शियल ना बनाए. लास्ट ईयर की औरत मार्च को बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हमने बनाया, थ्रू आउट द ईयर उस पर डिस्कशन करते रहे. आज उठे जो भी आपको खातिन इर्द गिर्द नजर आ रही है, घर में काम करती हुई आपको नाहिद साहब नजर आएंगी या आपको खानम नजर आ रही है, आपको मैं कहीं नजर आ रही हूँ, हर किसी से बोले हैप्पी वुमेंस डे. खुश रहे और खुश रहने के लिए अपने से मुंसलिक लोगों को भी खुश रखें. आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सुहा हासिल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और काइंडली कोविड 19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.